दोस्तों, कोई भी देश स्ट्रांग होता है कई तरीकों से। एक तो फाइनेंशियली, फिर आर्मी के बेसिस पर, लोगों के बेसिस पर, रिसोर्सेज के बेसिस पर। ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो किसी भी देश को स्ट्रांग करता है। उसी अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए ऐसे कई रिसोर्सेज हैं जो एक अहम योगदान करते हैं। जैसे नेचुरल, जैसे स्ट्रेट की बात करते हैं हम, तो स्ट्रेट भी एक बहुत ही अहम इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है किसी भी देश के लिए एक रेवेन्यू जनरेट करने का। जिस भी देश के आसपास जो है ये आपके सी कोस्टल एरियाज हैं, या स्ट्रेट्स पड़ते हैं, या कनाल्स होती हैं, या पासेज होते हैं, उस देश को रेवेन्यू एक्स्ट्रा मिलती है। जो इंटरनल है वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी कि बाहर से जो भी शिप्स या कार्गो वहाँ से ट्रेवल करेंगी, जो भी वहाँ से कार्गो कैरिंग व्हीकल पास होगा, तो वो रेवेन्यू देगा, वो टैक्स देगा, तो इससे भी काफ़ी पैसा आता है। प्लस सेकेंड पॉइंट, ये एक स्ट्रेटजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये आपको एक चीप वे में आपके सामान को, आपके वॉर थिंग्स को जो आप युद्ध में यूज़ करते हो, ऐसे मरीन्स को, सबमरीन्स को ईजिली जो है एक जगह से दूसरी जगह भेजने में हेल्प करती हैं। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। और इसीलिए दोस्तों, आज जो हम करने जा रहे हैं स्ट्रेट्स के ऊपर जो हम टॉपिक है, ये हम जानेंगे स्ट्रेट्स क्या हैं, क्यों ज़रूरी हैं, क्योंकि इतना इनका महत्व हम इस बात से समझ सकते हैं कि पिछले टाइम में जो कभी 19 सेंचुरी के आसपास 18 सेंचुरी में स्ट्रेट्स पे कब्जे के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई दोस्तों, जैसे जिनमें से एक 1941 सेकेंड वर्ल्ड वॉर डेनमार्क स्ट्रेट के लिए हुआ था। तो दोस्तों, ऐसे कई अन्य जो रीजंस रहे हैं कि स्ट्रेट्स पे कब्जा करने के लिए हर कोई कोशिश करता रहता है। तो आज हम जानेंगे स्ट्रेट्स क्या हैं, और ऐसे कौन कौन से स्ट्रेट्स हैं, ऐसे कौन कौन से जल डब्रू मध्य हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते रहे हैं या पूछे जाएंगे। आज हम मेन सारे करीब 17 प्लस हम जो है स्टेट्स करेंगे। आप बने रहिए, इस बात की गारंटी मेरी है कि आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा दोस्तों, याद हो जाएगा। बस आई वुड रिक्वेस्ट कि आप एक बार मैप में प्रैक्टिस कर लेना, वीडियो देखने के बाद में एक बार या दो बार देख लो, क्योंकि मैप से कराऊंगा, इतने अच्छे से कराऊंगा कि गारंटी इस बात की मेरी है कि आपको वो याद होने से कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पहले स्ट्रेट क्या है। दोस्तों देखिए, स्ट्रेट जो है दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, या फिर दो लैंड मास को सेपरेट करता है। तो हमें ध्यान रखना है कि या तो जमीन के दो भाग अलग होंगे, बीच में पानी रहेगा, या फिर दो, दूसरे लैंग्वेज में, दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं धीरे धीरे कि एक्चुअली ये है क्या। दोस्तों आइए जान लेते हैं पहले कौन कौन सी लोकेशन है जहाँ पे हमें स्टेट्स के बारे में जानना है। देखिए फटाफट समझते हैं, एक तो दोस्तों हमारा देखिए यहाँ पे है, ठीक है, और उसके बाद में एक हमारा है इधर पे अंडमान निकोबार के पास में, उसके बाद में एक इधर पे है, उसके बाद में एक इधर पे है इंडोनेशिया आइलैंड जो है आपका, उसके बाद हमारा यहाँ ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के पास में है, फिर यहाँ पे न्यूजीलैंड के पास में है, और उसके बाद में हम आ जाएं कि आप देखिए या तो इधर पे समझ लीजिए 180 डिग्री के पास में, तो इधर कर लेते हैं, ये इधर भी हो सकता है, मतलब ये एक ही है। ये जैसे आपको पता है कि राउंड होती है अर्थ, तो ग्लोब के फॉर्म में दिखा रखा है, तो चाहे यहाँ करो चाहे वहाँ करो, बात एक है, एक यहाँ पे है, उसके बाद में एक इधर पे है ग्रीनलैंड आइसलैंड के पास में, उसके बाद में दोस्तों एक यहाँ पे है ग्रीनलैंड और आपको कैनेडा के जो बीच में, एक है आपका इधर पे हडसन बे के पास में, और एक आपका इधर पे है, ठीक है, दिस पोर्शन, लेट मी करेक्ट इट, एक मिनट, ये हो गया आपका, और उसके बाद दोस्तों एक है इधर पे आपका अफ्रीका के इधर पास में, और एक है आपका यहाँ पे तुर्की के पास में, और एक आपका यूके और इसके पास में। तो दोस्तों ये हो गए हमारे मेन स्ट्रेट्स, इनके बारे में जानना है, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट के सारे इम्पॉर्टेंट है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि इसके आने की संभावना ज़्यादा है, दैट इज़ हियर, इधर पे है। तो अब इनके बारे में जानेंगे वन बाय वन। तो हम क्या करते हैं कि इसे इंडिया से स्टार्ट करें, तो इंडिया के राइट से स्टार्ट करते हैं, फिर हम लेफ्ट में जाएंगे, फिर एक बार सारा रिविजन कर लेंगे कहाँ पर कौन कौन सा स्ट्रेट है। दोस्तों आइए जानते हैं कि यहाँ पे कौन सा स्ट्रेट है। तो यहाँ पे जो दोस्तों है, दैट इज पाक स्ट्रेट, इसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट, STRAIT। दोस्तों पाक स्ट्रेट जो है ये कनेक्ट करता है बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पे है गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार को ये
कनेक्ट करता है। सेपरेट किसको कर रहा है? इट इज सेपरेटिंग इंडिया एंड आपका श्रीलंका। तो ये हो गया हमारा पहला स्ट्रेट, कौन सा? पाक स्ट्रेट, जो इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट कर रहा है, और बे ऑफ बंगाल को या गल्फ ऑफ मनार को, या हम कह दें लॉन्गर टर्म पे अरेबियन सी को कनेक्ट कर रहा है। तो ये हमारा पहला स्ट्रेट हो गया। दोस्तों एक बात और, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए जो हम यहाँ पे नोट करेंगे आपके आसानी के लिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल या फेसबुक पेज पे सीधे मैसेज कर सकते हो, आपको वहाँ पे वो चीज़ मिल जाएगी पूरी पीडीएफ इस पेज की। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो मैंने सेकंड किया है, ये आप अंडमान आइलैंड देख रहे हो, ये जो ऊपर है दिस इज अंडमान, और यहाँ पे लिटिल अंडमान, इसके बीच में जो हमारा स्ट्रेट है इसका नाम है दोस्तों डंकन पासेज। इसको बोलते हैं डंकन पासेज, ठीक है? डंकन पासेज मतलब कि ये इधर पे पासेज जो स्ट्रेट कैनाल से सारे पासेज ही हैं, तो इसलिए हम इसको डंकन पासेज, डंकन स्ट्रेट ही बोल सकते हैं। ये क्या करता है, इधर पे देखिए आपका बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पे आपका अंडमान सी है, इधर पे अंडमान सी है, तो ये बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी को कनेक्ट करता है, ठीक है? और अंडमान और लिटिल अंडमान को क्या करता है, ये सेपरेट करता है। स्टेट नंबर टू अपना ये हो गया। यहाँ से थोड़ा थिकनेस में देखूँ कम हो जाए इसकी और तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? ओके दोस्तों, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्ट्रेट। ये है दोस्तों आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का, दिस इज स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता रहा है दोस्तों। इसके बारे में खास बात यह है कि इट इज द लॉन्गेस्ट स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है? जो इंपॉर्टेंट चीज के बारे में क्या है, इट इज लॉन्गेस्ट स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड है, ध्यान रखना है। और ये दो जो आपके यहां पे आप देख रहे हो, एक इंडोनेशियन आइलैंड है सुमात्रा, ये वाला, दिस इज इंडोनेशियन आइलैंड सुमात्रा, और ये मलेशिया, इन दोनों को क्या कर रही है, सेपरेट कर रहा है। और कनेक्ट किसको कर रहा है, आपको पता था यहाँ पे अंडमान सी है और यहाँ पे दोस्तों जावा सी है इधर पे, तो जावा सी को और अंडमान सी को ये कनेक्ट कर रहा है, ये लॉन्गेस्ट है, ठीक है, ध्यान रखना हमको। तो ये हो गया हमारा स्टेट नंबर थ्री। नाउ लेट्स कम टू स्टेट नंबर फोर। ये देखिए, ये आपको पता है कि दिस इज ये सब इंडोनेशियन आइलैंड आप जो देख रहे हो, तो ये दो इंडोनेशियन आइलैंड जो जावा और सुमात्रा है, दिस इज जावा और ये सुमात्रा, इनको ये जो है सेपरेट कर रहा है और कनेक्ट किसको कर रहा है, जावासी को, और यहाँ पर आपका क्या है, जावासी के साथ में आपका इंडियन ओशन, तो इंडियन ओशन और जावासी को ये कंबाइन कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा इंडियन ओशन और ये आपका जावासी, इसे ये जो कनेक्ट कर रहा है और सेपरेट किसको कर रहा है, इट इज सेपरेटिंग आपका जावा और सुमात्रा, दो इंडोनेशियन आइलैंड्स हैं। इसको हम बोलते हैं सुंडा स्ट्रेट, SUNDA सुंडा स्ट्रेट। दोस्तों सुंडा स्ट्रेट एक वहाँ पे राजवंश हुआ करता था कभी, उस नाम पे इसका नाम सुंडा स्ट्रेट पड़ा है। और जैसे मैंने अभी आपको शुरू में बताया था एक बात कि स्ट्रेट की लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो हो रही थी पहले, अब भी एक कहीं कहीं चलता मतभेद, जैसे हम जानेंगे स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस जहाँ पे रशिया अपना कब्जा दिखाता है, टर्की के एरिया में पड़ता है वो, तो वहाँ भी लड़ाई है। तो ऐसे केसेस के लिए क्या क्या यूएन ने इंटरवीन किया बीच में, वो एक लॉ ले आए जिसके बारे में हम जानते हैं कि जैसे अब इंडिया के बारे में बात करें, तो इंडिया के बारे में जैसे आप ये रीजन देख रहे हो, अब यहाँ के आसपास ये सब जो है, ये सब क्या है, पानी है, ये सब आपका इसका पार्ट है वाटर का। तो बात ये है कि कोई भी देश जिसके आसपास कोई स्ट्रेट पड़ता है, कोई वाटर बॉडी है, तो उसकी सीमा कहाँ तक है, तो उसके लिए जो नियम फिक्स किया गया, वो नियम ये फिक्स किया गया कोई भी देश की जो पानी की सीमा है वो 12 नॉटिकल माइल्स तक रहेगी, ठीक है? 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो डिस्टेंस रहेगा वो उस एरिया कंट्री से, उस कंट्री से बिलोंग करेगा। तो इस तरह से इससे क्या हुआ, थोड़ा एक ये सूद हो गया, ये मतलब इसमें आराम हो गया, लोग इसको मानने लगे, तो ये लड़ाइयाँ थोड़ी कम हो गई, अदरवाइज कब्जे की लड़ाई तो अब भी चलती रहती है। तो ये यूएन का इंटरवेंशन था, और ये हमें पता रखना है कि पेपर में आ जाता है कि कोई भी समुद्री सीमा किसी देश की कहाँ तक होती है, तो 12 नॉटिकल माइल्स तक होती है। दोस्तों सुंडा स्टेट हो गया स्टेट नंबर फोर। नाउ लेट्स कम टू स्टेट नंबर फाइव, जिसका नाम है टॉरेस स्ट्रेट। अब देखिए जैसे हम बड़े अगर थोड़ा वृहत कर लें इसको और बड़ा कर लेते हैं, तो हम यहाँ से स्टार्ट किए इंडिया के इस पोर्शन से, फिर हमने किया देखिए पाक स्ट्रेट था और डंकन पासेज किया, डंकन पासेज के बाद हमने किया स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्टेट ऑफ मलक्का के बाद हमने किया सुंडा स्ट्रेट। अब दोस्तों यहाँ पे आप नीचे ये जो पोर्शन देख रहे हो, दिस इज ऑस्ट्रेलिया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऊपर है आपका पापुआ न्यू गिनिया, इन दोनों को जो वाटर बॉडी सेपरेट करता है उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ टोरस, या टोरस स्ट्रेट बोलते हैं दोस्तों, टोरस स्ट्रेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आ चुका है,
टोरस स्ट्रेट। दोस्तों यहाँ पे आपका क्या है, एक बे ऑफ पपुआ है, बे ऑफ पपुआ, और यहाँ पे आपका आराफुरा सी। तो ये जो स्ट्रेट टोरस स्ट्रेट, ये दो वाटर बॉडीज किनको कनेक्ट करता है, आराफुरा सी और बे ऑफ पपुआ, और जो सेपरेट करता है दैट इज पपुआ न्यू गिनिया और ऑस्ट्रेलिया को सेपरेट करता है। तो ये आपका स्ट्रेट नंबर कौन सा हो गया, आपका पांचवा हो गया। नाउ लेट्स कम टू दिस साइड, थोड़ा ऑस्ट्रेलिया के नीचे आप ये जो पोर्शन देख रहे हो, दिस इज तस्मानिया और ये ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे जो स्ट्रेट है दोस्तों, मैंने मार्क नहीं किया इसको, एक मिनट कर देता हूँ, ये पोर्शन लगे हाथ जान लेते हैं इसको भी। तो ये आपका है बास स्ट्रेट, दिस इज बास स्ट्रेट। बास स्ट्रेट दोस्तों ये किसको किसको सेपरेट कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया को और तस्मानिया को, और जो दो वाटर बॉडीज कनेक्टेड हैं, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट और तस्मान सी। तो ये हमारा हो गया छठा बास स्ट्रेट, छठा जो है स्ट्रेट दैट इज बास स्ट्रेट। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है दैट इज यहाँ पे आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड, जो कीवी के बारे में बात कर रहे थे हम, तो दोस्तों यहाँ पे वो एरिया है जो आपका नॉर्थ और साउथ न्यूजीलैंड के जो आइलैंड उनको सेपरेट कर रहा है, इसको हम बोलते हैं कुक स्ट्रेट, कुक स्ट्रेट। दोस्तों वीडियो ध्यान से देखिए क्योंकि बाद में मैंने उन क्वेश्चंस को इंक्लूड किया इसमें जो अब तक के पेपर्स में आ रखे हैं। कई बार जैसे सीडीएस का एग्जाम हुआ, सीजीएल का एग्जाम, इनमें मैच द फॉलोइंग के भी क्वेश्चंस आए हैं, तो जब आपको इनके बारे में पता रहेगा तभी आप बता पाओगे कि क्या हो रहा है, कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैच में आपको पता है कम से कम दो ऑप्शंस आपको पता है तभी आप मैचिंग में प्रॉपरली थोड़ा बहुत गेस कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका न्यूजीलैंड को सेपरेट कर रहा है दो वाटर बॉड, जो आपका स्ट्रेट है कुक स्ट्रेट, ये कनेक्ट किन दोनों कर रहा है, एक साइड में आपको पता तस्मान सी है और यहाँ पे आपका साउथ पैसिफिक ओशियन है जिनको ये कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे तस्मान हो गया। तो आपके ये हो गए आपके साथ जो है इंडिया के राइट में स्ट्रेट है। एक बार फटाफट रिविजन कर लेते हैं, साथ में आपको याद होता रहेगा। यहाँ पे देखिए पहला हमने किया पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट में क्या है, देखिए एक ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, यूपीएससी के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये अभी आज कल के रिसेंट न्यूज़ में आया है कि एक यहाँ पे फिश पाई गई है, स्कॉर्पियन नेगलेक्टा करके नाम है उसका, स्कॉर्पियन नेगलेक्टा, ये डिस्कवरी में है। इसलिए मतलब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार अपने इस रीजन में पाई गई है, यहाँ पे गल्फ ऑफ मनार है, यहाँ के इंडियन वाटर में पाई गई दोस्तों ये, और गल्फ ऑफ मनार में। और इसमें जो रोचक बात ये है कि ये रेयर है और इन जो अपने इस वाटर में पहली बार इंडिया के आसपास के वाटर में ये जिंदा मिली है, अदरवाइज ये कभी मिली नहीं है। और इसका नाम स्कॉर्पियन क्यों है, क्योंकि इसके जो वेनम है न्यूरोटॉक्सिक होता है और ये नुकसान मतलब जानलेवा है, इसलिए इसका नाम स्कॉर्पियन नेगलेक्टा रखा गया है। दोस्तों ये हो गया, अब आइए जान लेते हैं फटाफट इन स्टेट्स के बारे में और समझ लेते हैं। पहला स्टेट हमने किया पाक स्ट्रेट, जो कि क्या कर रहा है, गल्फ ऑफ मनार और बे ऑफ बंगाल कनेक्ट कर रहा है। दूसरा किया हमने कौन सा, डंकन पासेज, डंकन पासेज क्या कर रहा है, अंडमान को सेपरेट कर रहा है लिटिल अंडमान और अंडमान में, और ये ज्वाइन कर रहा है बे ऑफ बंगाल अंडमान सी को। फिर उसके बाद हमने किया स्टेट ऑफ मलक्का, स्टेट ऑफ मलक्का क्या कर रहा है, मलेशिया का जो आइलैंड है उसको, इंडोनेशिया के मलेशिया को और सुमात्रा जो इंडोनेशिया का आइलैंड उसको सेपरेट कर रहा है और ज्वाइन किसको कर रहा है, बे ऑफ बंगाल को, जावासी को। उसके बाद हमने किया सुंडा स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट दोस्तों क्या कर रहे हैं, इंडोनेशियन दो आइलैंड जावा और सुमात्रा है उनको जो है सेपरेट कर रहे हैं और ज्वाइन किसको कर रहे हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं इंडियन ओशन या जावासी को। उसके बाद हमने नीचे किया यहाँ पर जो पापुआ न्यू गिनिया और ऑस्ट्रेलिया को सेपरेट कर रहा है दैट इज टोरस स्ट्रेट, टोरस स्ट्रेट कनेक्ट किसको कर रहा है, आराफुरा सी और बे ऑफ पापुआ। उसके बाद नीचे आ गए ऑस्ट्रेलिया के ठीक नीचे आप यहाँ पे देख रहे हो दैट इज तस्मानिया, ठीक है, ऊपर ऑस्ट्रेलिया है और बीच में जो इनके स्ट्रेट है दैट इज बास स्ट्रेट जिनको कनेक्ट कर रहा है, और ये बास स्ट्रेट जो दो इनको सेपरेट कर रहा था और बॉडीज इसमें कनेक्ट हो रही हैं दैट इज ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट और तस्मान सी। तो दोस्तों ये हो गया। उसके बाद जो हमने सातवां किया दैट इज कुक स्ट्रेट, ये न्यूजीलैंड के दो जो दो आइलैंड है, दो इसके पार्ट हैं न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड, इनको जो है क्या कर रहा है, ये सेपरेट कर रहा है और जोड़ किसको रहा है, कनेक्ट कर रहा है तस्मान सी को और साउथ पैसिफिक ओशन को। ये हो गए हमारे इंडिया के राइट साइड के सात जो मेन स्टेट्स थे, जल डबरू मध्य थे। अब हम जानते हैं इसके लेफ्ट में कौन कौन से मेन हैं और अब तक के क्वेश्चंस में आते रहे। तो दोस्तों ये हो गया अपना इंडिया का पोर्शन और इसके बाद हम राइट में मूव करेंगे। जैसा कि आपको मैंने बताया था जब हम कनाल्स कर रहे थे
तो सबसे पहले हमने स्वेज के बारे में जाना था दोस्तों, उसके पहले ये जाना जरूरी, एक यहाँ पे जो आप ईरान देख रहे हो, दिस इज ईरान और ये आपका यूएई है और ये ओमान है, इसके बीच में एक स्ट्रेट है दोस्तों, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिक वे से भी, और वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि ये जो आपका जो एरिया है दिस पोर्शन, ये आपको रिच बोला जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ से सारे तेल के कुएं हैं, सारा ऑयलिंग एक्सपोर्ट दोस्तों यहीं से होता है। मतलब ये है कि ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर यहाँ कोई कुछ प्रॉब्लम होती है तो पूरे विश्व में आपको पता है कि ऑयल का प्राइस बढ़ जाता है। अभी जो वॉर चल रहा था, प्रॉब्लम चल रही थी, ईरान जो है हमले कर रहा था ब्रिटिश के, ब्रिटेन के टैंकर्स पे, इन सब पे, मतलब अननोन, उन्होंने अनाउंस नहीं किया बट ये हमला ईरान की तरफ से हो रहा था, तो ये प्रॉब्लम हो रही थी जिससे उनके दो टैंकर बर्बाद कर दिए गए ब्रिटिश के। तो ये एक लड़ाई है सबके लिए ज़रूरी है, जिससे आपके ऑयल वॉर पे अभी प्रॉब्लम चल रही थी न्यूज़ में, पिछले काफ़ी टाइम से चल रहा था दोस्तों। ये इनके बीच में जो स्ट्रेट है उसको बोलते हैं हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बोलते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, या इसको हम ओर्मुज़ भी बोल देते हैं, ओर्मुज़ भी बोल देते हैं दोस्तों। ये तो क्लियर हो गया किसको किसको सेपरेट कर रहा है, ये सेपरेट कर रहा है स्ट्रेट और आपको इसका ईरान, यूएई और ओमान, ठीक है, इनको ये सेपरेट कर रहा है, और जो दो वाटर बॉडीज को ये कनेक्ट करता है दैट इज पर्शियन गल्फ और यहाँ पे आपका क्या है गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को ये कनेक्ट कर रहा है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये यहाँ से दोस्तों होता है, एक्सपोर्ट होता है इधर से बाहर अदर कंट्रीज में उसके। और दूसरी बात ये क्या करता है, ये सीधे सी स्ट्रूट में, इस रूट में आके मिल जाता है, जिससे फिर हर जगह पे इसका सप्लाई होता है दोस्तों। इसके बाद हम आज सीधे यहाँ पे आते हैं दिस पोर्शन, जहाँ पे हमने स्ट्रेट इसमें स्वेज कैनाल के बारे में जाना था। तो ये आप जान रहे हो दिस इज रेड सी, ये रेड सी है और यहाँ पे आपका क्या है अरेबियन सी है, ठीक है, और ये आपका गल्फ ऑफ अदन है। यहाँ पे जो स्ट्रेट देख रहे हो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए, इसको मैंने मार्क नहीं किया, इसको भी मार्क कर देता हूँ मैं, एक मिनट, ज़रा इंपॉर्टेंट है ये भी, दिस पोर्शन, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है बब अल मंदेब, बब अल मंदेब। ये स्ट्रेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक मिनट में आपको मैप दिखाता हूँ, देखिए जैसे आप इसको ऐसे समझिए ये कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर मान लीजिए किसी को कोई यहाँ पे है, यहाँ पे फ्लोरिडा है, तो वो देखो उसको जाने के कहाँ कहाँ से रास्ते हो सकते हैं, जैसे कोई यहाँ से जा सकता है ऐसे चाइना अगर जाना हुआ तो, ठीक है, उसके बाद ये इधर से भी जा सकता है, यहाँ से आता है और इसके बाद में ये रूट लेता है और ऐसे ज्वाइन कर लेता है, या फिर वो ऐसे आता है और इधर से होते हुए ऐसे चला जाता है, ठीक है, ये रास्ता जिसको स्वेज कैनल किस लिए बनाई गई थी, ताकि हजारों किलोमीटर की दूरी कम हो सके, ठीक है, तो ये इस तरह से होते हुए यहाँ से होते हुए स्टेट ऑफ मलक्का से पास होते हुए यहाँ पे आ जाए, ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई दोस्तों। ये जो सी रूट्स है ना, जो शिपिंग कार्गो, जो कार्गो शिप्स होते हैं, ये सब जितने बाउंड्रीज को कवर करेंगे, जैसे आप ये देख पा रहे हो ये ऐसे स्ट्रेट जा रही है, जो लाइन जा रही है, जो इनका ट्रेवलिंग वे है, अभी जितने कंट्रीज के पास से होके गुजरेंगे, मैक्सिमम कंट्रीज को कवर करेंगे, तो मैक्सिमम इनको रेवेन्यू जनरेट होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा सामान को ट्रांसपोर्ट करेंगे तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगा, इनकम मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा इनको पैसे मिलेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये मैक्सिमम, जैसे मान लो सिर्फ यहाँ से यहाँ आना हुआ, तो कोई सिर्फ अकेले यहाँ पे केप टाउन है, वहाँ अकेले कोई जाना चाहे सिर्फ इस एरिए के लिए, लेकिन अगर इसी को समझा जाए कि अगर इसके पास और काम है तो पहले इधर पे आएगा, फिर यहाँ से केप टाउन होते हुए इधर से पास होते हुए, फिर ये कई कंट्रीज को कवर करते हुए ऐसे वहाँ चाइना जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, सी रूट्स का इवोल्यूशन होता है, और ये हमारे लिए भी ज़रूरी है जानना, तो मैं इसलिए बता रहा था कि इतना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसका नाम क्या था, बब अल मंदेब, और ये दो वाटर बॉडीज को जो ये जोड़ता है, इसका क्या नाम है, दैट इज रेड सी या गल्फ ऑफ अदन या आपका रेड सी और अरेबियन सी, इनको जोड़ता है और सेपरेट किसको कर रहा है, आपको पता है कि इट इज सेपरेटिंग आपका इधर पे जो आपका अरेबियन पेनिनसुला है और यहाँ पे एक एरिया जिबूती अफ्रीका का एरिया है, इनको सेपरेट कर रहा है। तो ये हो गया हमारा अपना स्टेट नंबर टू, राइट में इसके आपके लेफ्ट में इंडिया के। अब थोड़ा ऊपर आते हैं यहाँ से, देखिए इधर पे दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हो ये आपका मोरक्को है और यहाँ पे आपका स्पेन है, ठीक है, मोरक्को और स्पेन, जो यहाँ पे स्ट्रेट है दोस्तों इसको बोलते हैं हम स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बोलते हैं, जिब्राल्टर,
बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है इस रूट को जो भी फॉलो करेगा उसको यहाँ से जाना पड़ेगा। दोस्तों समझने की बात ये है कि यहाँ पे वैसे तो ये स्पेन और मोरक्को के बीच में है, पर इस स्ट्रेट पे कंट्रोल अब भी ब्रिटेन का है, ठीक है। अब इसके बाद कनेक्ट किसको कर रहा है, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था जब हम ओशियंस कर रहे थे कि ये आपका कौन सा ओशियन है, दिस इज़ अटलांटिक ओशियन, ठीक है। ये आपका अटलांटिक ओशियन जो एस के आकार में या एट के आकार में होता है, ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो एस या एट के आकार में होगा, तो ये अटलांटिक ओशियन है। और यहाँ पे है मेडिटेरेनियन सी। दोस्तों जिब्राल्टर वाले ये जो हम कर रहे हैं स्ट्रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार के पेपर में आ रखा है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किन दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, ये कनेक्ट करता है आपका मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशियन को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशियन, और सेपरेट किसको कर रहा है, अफ्रीकन पार्ट को यूरोपियन पार्ट से, ठीक है। ये आपका ऊपर यूरोप है और ये अफ्रीका है, तो जो स्ट्रेट इनको सेपरेट करता है वो कौन सा है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद जो बहुत महत्वपूर्ण है, दैट इज बॉस्फोरस स्ट्रेट, जिसके बारे में शुरू में बात कर रहा था, जिस पर रशिया अपने कब्जे की बात कुछ टाइम तक कर रहा था बीच में, इसको बोलते हैं बॉस्फोरस स्ट्रेट। दोस्तों बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है ये आप देख रहे हो, दिस इज टर्की, यहाँ पे इस्तांबुल, दिस इज इस्तांबुल, ठीक है। इस्तांबुल का कुछ एरिया यहाँ के एशियन पार्ट में आ जाता है, और कुछ एरिया जो आप ये देख रहे हो ये आपका आ जाता है उसमें यूरोपियन पार्ट में। तो ये जो स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस है ये सेपरेट किसको कर रहा है, ये सेपरेट कर रहा है इस्तांबुल के दो भागों में, एक तो इसका यूरोपियन पार्ट और एक इसका एशियन पार्ट, ठीक है। और कनेक्ट किसको कर रहा है, ब्लैक सी को। और दोस्तों यहाँ पे एक सी है इधर पे, इसको बोलते हैं मारमरा सी, सी ऑफ मारमरा, ठीक है, इसको बोलते हैं मारमरा सी, MARMARA, मारमरा सी ऑफ मारमरा। तो आपको ये समझ में आया कि जो बॉस्फोरस स्ट्रेट है वो क्या कर रहा है, वो ब्लैक सी और सी ऑफ मारमरा को कनेक्ट कर रहा है, और सेपरेट किसको कर रहा है, इस्तांबुल को दो भागों में, आपका ऊपर वाला यूरोपियन पार्ट और नीचे वाला एशियन पार्ट, दो भागों में। और दोस्तों जो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जानने वाली ये है, दिस इज कि ये जो स्ट्रेट है दोस्तों, दिस इज नैरोएस्ट स्ट्रेट, नैरोएस्ट मतलब सबसे पतला स्ट्रेट, नैरोएस्ट, नैरोएस्ट स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड। तो दो चीज हमने जानी, स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट है, और स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस सबसे नैरोएस्ट है। तो दोस्तों ये हो गया। तो देखिए हमने क्या किया, हमने इंडिया से लेफ्ट में मूव करना स्टार्ट किया, पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज किया हमने, उसके बाद हमने किया बद अल मंदब, उसके बाद हमने किया यहाँ पे स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, फिर हमने किया कौन सा आपका, दिस इज स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस। अब थोड़ा इसके ऊपर आ जाते हैं यहाँ पर, जहाँ पे मैंने प्रीवियस चैनल्स वाले वीडियो में बताया था, इंग्लिश चैनल है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका स्ट्रेट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट, इसको बोलते हैं डोवर स्ट्रेट, डोवर स्ट्रेट। दोस्तों डोवर स्ट्रेट इतना महत्वपूर्ण है कि वर्ल्ड का बिजिएस्ट स्ट्रेट है, मतलब यहां से एक दिन में कम 500 से 600 कार्गो शिप्स ट्रेवल करती हैं दोस्तों, तो समझ सकते हैं कितना रेवेन्यू यहां से आता है। तो यहां पे आप देख रहे हो दिस इज यूके, और ये आपका पेरिस आपका इधर पे इसका पार्ट है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो डोवर स्ट्रेट है ये बिजिएस्ट है, और ये फ्रांस, आप ये देख रहे हो ये आपका पेरिस है, इधर फ्रांस है, फ्रांस और यूके को सेपरेट कर रहा है, और जिन दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, आपको पता है दिस इज नॉर्थ सी और ये आपका पूरा अटलांटिक ओशियन है। तो यानी ये हुआ कि जो डोवर स्ट्रेट है ये सेपरेट कर रहा है किसको, यूके और फ्रांस को, और कनेक्ट कर रहा है नॉर्थ सी और आपका अटलांटिक ओशियन को, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया अपना इधर का पोर्शन। अब देखिए आपको ये याद हो गया है, अब थोड़ा इसके ऊपर आते हैं, जिसके बारे में शुरू में बात कर रहा था 1941 के वॉर के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो दिस इज आर्कटिक ओशियन, और यहाँ पे आपका अटलांटिक ओशियन है, ठीक है, ये पूरा आपका नीचे अटलांटिक ओशियन है। यहाँ पे जो स्ट्रेट है इसका नाम है, दैट इज आपका डेनमार्क स्ट्रेट, डेनमार्क स्ट्रेट, ठीक है दोस्तों, दिस इज डेनमार्क स्ट्रेट। और ये किन दो वाटर बॉडीज कनेक्ट कर रहा है, आर्कटिक ओशियन को और आपका यहाँ पे अटलांटिक, आर्कटिक और अटलांटिक को कनेक्ट कर रहा है और सेपरेट कर रहा है ग्रीनलैंड और आइसलैंड को। और ये हमें ध्यान रखना है कि जो आपका डेनमार्क स्ट्रेट है, दिस मस्ट बी वाइडेस्ट स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये वाइडेस्ट है, मतलब सबसे चौड़ा स्ट्रेट है, बहुत ज़्यादा चौड़ाई है इनके बीच में। तो हमने तीन चीज़ जानी, लॉन्गेस्ट मलक्का, और नैरोएस्ट वो हमने जाना इसके बॉस्फोरस, और वाइडेस्ट इज डेनमार्क स्ट्रेट। उसके बाद हम आ जाते हैं इधर पे,
थोड़ा सा। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे आप ये देख रहे हो कनाडा है आपके लेफ्ट में और इधर पे ग्रीनलैंड है दोस्तों। इनके बीच में एक ये आप देख रहे हो, दिस इज बैफिन बे, और यहाँ पे एक सी है, इसको बोलते हैं लैब्राडोर सी। ये जो सी है इसको बोलते हैं लैब्राडोर सी, डॉग वाला लैब्राडोर, वो वाला लैब्राडोर सी दोस्तों। ये जो स्ट्रेट है इसको हम बोलते हैं डेविस स्ट्रेट, डी ए वी आई एस, डेविस स्ट्रेट। इसका नाम डेविस स्ट्रेट है। ये कनेक्ट किसको कर रहा है, बैफिन बे को और सी ऑफ लैब्राडोर को, और सेपरेट कर रहा है ग्रीनलैंड और कैनेडा के जो आइलैंड है इधर पे, ठीक है। उसके बाद में आप इधर पे आ जाओ, आप ये जो देख रहे हो यहाँ पे है दोस्तों आपका हडसन स्ट्रेट, हडसन स्ट्रेट, ठीक है। हडसन स्ट्रेट क्यों पड़ रहा है, क्योंकि ये आपका हडसन बे है, और हडसन बे एक एरिया है कनाडा का, तो हडसन बे इसका नाम पड़ गया। और यहाँ पे आपको पता हडसन बे हो गया, और यहाँ पे लैब्राडोर सी है ही, तो ये कनेक्ट किसको कर रहा है, हडसन बे को और सी ऑफ लैब्राडोर को, और सेपरेट कर रहा है आपका इधर पे बैफिन आइलैंड को और यहाँ पे कनाडा का जो आपका इधर आइलैंड को, इनको सेपरेट कर रहा है आपस में। तो ये हो गया आपका हडसन स्ट्रेट। उसके बाद जो आपका नीचे है इंपॉर्टेंट, दैट इज स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा या फ्लोरिडा स्ट्रेट, फ्लोरिडा स्ट्रेट, ठीक है, फ्लोरिडा स्ट्रेट इसका नाम है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो दिस इज क्यूबा, ठीक है, और ये आपका ये स्ट्रेट जा रहा है, ठीक है, ये बहामास आइलैंड है ये वाले। तो दोस्तों ये जो है ये कनेक्ट यहाँ पे देखिए गल्फ ऑफ मैक्सिको है, और ये आपका है अटलांटिक ओशन, ठीक है। तो जो कनेक्ट कर रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है किसको, गल्फ ऑफ मैक्सिको को और आपका अटलांटिक ओशन को, और सेपरेट किसको कर रहा है, ये सेपरेट कर रहा है आपका इसको अमेरिका को, और यहाँ पे क्यूबा है। क्यूबा दोस्तों, क्यूबा के लिए एक जीके क्वेश्चन भी है, इसको सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता था, चीनी का कटोरा ही बोला जाता था, लेकिन अब यहाँ पे चीनी की पैदावार कम हो गई है। अब नंबर एक पे विश्व में ब्राज़ील है, सेकंड नंबर पे इंडिया है, ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा दोस्तों। यहाँ तक आगे थोड़ा ऊपर आ जाते हैं, नहीं पहले नीचे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक लास्ट यहाँ पे स्ट्रेट है दोस्तों, ये जो आप पोर्शन देख रहे हो इसके पीछे हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है जाननी हमें। ये जो आप रीजन देख रहे हो इसको हम बोलते हैं मैगेलन स्ट्रेट। मैगेलन से आपको किसी का नाम याद आया होगा, मैगेलन स्ट्रेट किसको, फर्डिनेंड मैगेलन के ऊपर पड़ा दोस्तों। फर्डिनेंड मैगेलन एक स्पेनिश ट्रैवलर थे, वो निकले थे समुद्र यात्रा पे एक एरिया ढूंढने, एक आइलैंड ढूंढने जिसको स्पाइस आइलैंड बोलते थे, ठीक है। तो वो स्पेन से निकले और उस स्पाइस आइलैंड जाने के चक्कर में तो उन्होंने ये रूट डिस्कवर किया यहाँ पे। देखिए पहले स्पाइस आइलैंड समझिए कहाँ पे, स्पाइस आइलैंड आपका यहाँ पे जो इंडोनेशियन आइलैंड है, ठीक है, इधर पे पड़ता है आपका, इधर पे इनमें जो है पड़ता है आपका स्पाइस आइलैंड। अब इसका नाम स्पाइस आइलैंड नहीं है, इस जगह का जो यहाँ पे आइलैंड है उसका नाम है, इसको बोलते हैं मलुका, MALLAUK, मलुका आइलैंड, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, मलुका आइलैंड हो गया है। तो ये आपका इंडोनेशियन आइलैंड है, पहले इसको स्पाइस आइलैंड, इसको यहाँ पे आना था फर्डिनेंड मैगेलन को, पर वो जो है इस डिस्कवरी के चक्कर में इन्होंने इस रूट को डिस्कवर कर लिया जिसके बारे में बात करें, जो चिली में पड़ता है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए जानना, क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन कई बार आ रखे हैं। अब जानना ये है कि ये है क्या, देखिए यहाँ पर जो आप कनेक्टिविटी देख रहे हैं ऐसे, ये दोस्तों इसका इन्होंने नाम इसलिए पड़ गया स्टेट ऑफ मैगेलन, क्योंकि इन्होंने डिस्कवर किया, ये इतना डिफिकल्ट स्ट्रेट था दोस्तों, इसको पास करने में इनको 38 डेज लग गए थे पूरी तरह से ट्रैवल करने में, 38 डेज लग गए थे ट्रैवल करने में। इसलिए जो इसका रीजन आप ये देख रहे हो ये, तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो मैगेलन का स्ट्रेट है ये किन दो भागों को सेपरेट करता है, तो ये चिली को, और यहाँ पे इसका जो नाम इनको दिया गया टेरा डेल फ्यूगा, इसका मतलब होता है लैंड ऑफ फायर, ठीक है, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट रूट था और इसलिए इसका नाम पड़ गया टेरा डेल फ्यूगा। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि किन दो लैंड मास को सेपरेट करता है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये आपका चिली के दो भाग हैं, एक आपका ये वाला ऊपर का और नीचे वाला टेरा डेल फ्यूगा, इन दोनों को सेपरेट करता है। तो दोस्तों ये हो गया, और इसके बाद में हमें ये समझ में आ गया कि क्या क्या आपके स्ट्रेट हो गए। एक स्ट्रेट जो बच रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका बेरिंग स्ट्रेट। दोस्तों बेरिंग स्ट्रेट के लिए मैप को छोटा करते हैं, ये लास्ट स्ट्रेट है तो इसके बारे में जानना थोड़ा ज़रूरी है। ये आपका हो गया मैप। आप देखिए यहाँ पे कि ये जो रीजन आप देख रहे हो, क्योंकि अर्थ राउंड है
तो यहाँ पे ये आपका 180 डिग्री है, ये जो आप देख रहे हो लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये रशिया का पोर्शन है, और इधर पे देखिए यहाँ पे अमेरिका है, यूएस का पोर्शन, अलास्का रीजन है ये वाला, आप देख रहे हो अलास्का है। तो जो स्ट्रेट इन दोनों को सेपरेट कर रहा है उसको हम बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट, BERING, बेरिंग स्ट्रेट। ये अमेरिका को और जो रशिया एशिया को सेपरेट करता है दोस्तों, तो इसलिए ये ज़रूरी है हमें समझना कि ऐसा कौन सा स्ट्रेट जो इन दोनों को सेपरेट करे एशिया और अमेरिका को, तो दैट इज़ बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है, अलास्का और इसके रीजन को, और जो कनेक्ट कर रहा है किसको, पैसिफिक को और आर्कटिक को, ये ऊपर जो आपको पता आर्कटिक ओशियन है इनको ये कनेक्ट कर रहा है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे आज के सारे स्ट्रेट, अब एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। अब देखिए ऐसे, एक मिनट, लेट मी ओपन अनदर मैप। ये वाला देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम समझते हैं, ये फ्रेश मैप है, अब इससे थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। अब देखिए ये जो हमने पहले किया, ये वाला, लेट मी ओपन द मार्क वन, और इसको कर देते हैं ऐसे, इसको कर देता हूँ रेज में एक मिनट के लिए। अब दोस्तों देखिए, अब यहाँ पे जो हमने पहले किया ये था आपका पार्क स्ट्रेट, ठीक है, और इसके बाद हमने किया ये वाला दूसरा जिसको हम बोलते हैं डंकन पासेज, फिर हमने तीसरा किया, थोड़ा मैं और इसको थिकनेस बढ़ा लेता हूँ थोड़ी सी, ठीक है। तो ये पहला पार्क स्ट्रेट हो गया, दूसरा हमने किया इसको दैट इज डंकन पासेज, और ये हो गया डंकन पासेज, फिर तीसरा हमने किया डंकन पासेज, ये हो गया, और ये तीसरा हमने किया कौन सा, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, उसके बाद फिर हमने किया ये, दिस वॉज सुंडा स्ट्रेट, फिर हमने ये किया यहाँ पे एक था दैट वॉज टोरस, और फिर हमने ये किया यहाँ पे जो आपको ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के पास में था दैट वॉज बास स्ट्रेट, फिर हमने न्यूजीलैंड को जो सेपरेट कर रहा था जो दो आइलैंड को, इनको न्यूजीलैंड के नॉर्थ और साउथ भाग को, उसका नाम था कुक स्ट्रेट, ठीक है, जो न्यूजीलैंड के दो भागों को कर रहा था। उसके बाद हम सीधे इधर पे आए, ये था आपका स्टेट ऑफ होर्मुज या ओमरुज, और उसके बाद फिर हमने ये किया बदल मंदे, फिर हमने किया आपका ये जिब्राल्टर, फिर किया आपका ये स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस नैरोएस्ट, फिर हमने किया आपका ये दिस वॉज डोवर स्ट्रेट बिजिएस्ट, वर्ल्ड का बिजिएस्ट, उसके बाद हमने किया डेविस वाइडेस्ट वर्ल्ड का, फिर हमने किया डेविस, ये डेनमार्क था, सॉरी दिस वॉज डेनमार्क, ये डेनमार्क हो गया, फिर हमने किया डेविस, उसके बाद हमने किया हडसन स्ट्रेट, फिर किया स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, फिर हमने किया आपका मैगलन स्ट्रेट, और फिर हमने किया आपका बेरिंग स्ट्रेट। दोस्तों ये सारे स्टेट ऑफ द मेन स्ट्रेट हो गए, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, जिनके बारे में जाना जरूरी था, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण थे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, दोस्तों ये आते ही रहते हैं। अब आइए हम जान लेते हैं उन क्वेश्चंस को जो अब तक की पूछे जा चुके हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा जा चुका है कि विच स्ट्रेट सेपरेट्स ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया। तो दोस्तों कौन सा स्ट्रेट है जो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को सेपरेट कर रहा है, ऑप्शन हमको दे रखा था, दैट इज बेरिंग स्ट्रेट, बास स्ट्रेट, पार्क स्ट्रेट और डोवर स्ट्रेट। तो हमको पता कौन सा है, दैट इज ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को सेपरेट कर रहा है, उसका नाम क्या है, इसका हो गया बास स्ट्रेट। तो दोस्तों इसका नाम हो गया बास स्ट्रेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2013 का, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका आर सेपरेटेड, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका आर सेपरेटेड बाई, एशिया और नॉर्थ अमेरिका किससे सेपरेटेड है। ऑप्शंस हैं अपने पास में कि बेरिंग स्ट्रेट, डोवर स्ट्रेट, बास स्ट्रेट एंड कुक स्ट्रेट। तो दोस्तों हमको पता है कि जो डोवर है वो आपका यूके और फ्रांस का हो गया, ठीक है, उसके बाद जो बास स्ट्रेट है वो हमने अभी किया कि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को कर रहा है, कुक स्ट्रेट हमें ध्यान रखना है न्यूजीलैंड के दो भाग को कर रहा है, तो हमें याद रखना क्या है कि बेरिंग स्ट्रेट है जो अमेरिका के नॉर्थ पार्ट को और यहाँ पर आपको एशिया को जो है ये सेपरेट कर रहा है, ये जानना जरूरी था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली एसआई 2012, द क्वेश्चन इज द स्ट्रेट विच सेपरेट्स अफ्रीका फ्रॉम यूरोप। ऐसा कौन सा स्ट्रेट है जो अफ्रीका को और यूरोप को सेपरेट कर रहा है।
तो दोस्तों अफ्रीका यहाँ पे है और ये है आपका यूरोप। इनको कौन सा स्ट्रेट सेपरेट कर आपको साफ साफ दिख रहा है, दिस स्ट्रेट। इसका नाम क्या था? इसका नाम था स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो दोस्तों ये हो गया आपका आंसर, और ऑप्शंस हमको दे रखा है हुक स्ट्रेट, फिर आपका जिब्राल्टर स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट और बेरिंग स्ट्रेट। तो इन चारों आपको पता चल गया दैट इज जिब्राल्टर स्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका आ रखा है दोस्तों दिल्ली एसआई 2012 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रेट एंड कंट्रीज दे सेपरेट इज रॉन्गली मैच, मतलब ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। आप जैसा देख रहे हो पहला ऑप्शन दे रखा है जिब्राल्टर स्ट्रेट स्पेन एंड मोरक्को, फिर बेरिंग स्ट्रेट सुमात्रा एंड मलेशिया, मैगलन स्ट्रेट चिली एंड तेरा डेल फ्यूगो, और बास स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया। तो जैसा कि हम जान रहे हैं जिब्राल्टर स्ट्रेट क्या कर रहा है, जिब्राल्टर स्पेन जो स्ट्रेट है वो कनेक्ट कर रहा है स्पेन और मोरक्को को। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या था, इनमें गलत कौन सा है? पहला सही हो गया, दूसरा मैगलन स्ट्रेट। मैगलन हमने देखा कि ये चिली और तेरा डेल फ्यूगो को मैच कर रहा है, बिल्कुल सेपरेट कर रहा, सही है। फिर बास स्ट्रेट देख लिया, ये ऑस्ट्रेलिया और तस्माइना को सेपरेट कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। बेरिंग स्ट्रेट है, बेरिंग स्ट्रेट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपका हो गया नॉर्थ अमेरिका और एशिया, इनको सेपरेट कर रहा है। पर यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पे गलत दिया गया। यहाँ पे क्या दिया गया ऑप्शन में, यहाँ पे सुमात्रा और मलेशिया दे रखा है जो कि गलत है। तो वहाँ पे क्या होना चाहिए था, वहाँ पे स्टेट ऑफ मलक्का होना चाहिए जो लॉन्गेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन SSC CGS 2017 से है। विच कंट्री इज हेडेड टुवर्ड्स अ कन्फ्रंटेशन ओवर जिब्राल्टर विद स्पेन, ऐसा कौन सी कंट्री है जो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर पे अपना अधिकार दिखा रही स्पेन के ऊपर? तो ऑप्शंस आपके पास में फ्रांस, जर्मनी, मोरक्को एंड UK। दोस्तों इसका उत्तर मैंने पहले आपको बता दिया था कि ये जो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर किसका कंट्रोल है, इस पे UK का है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर UK होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका CDS 2016 में, दोस्तों ये भी मैच आपका, ये कोडिंग का क्वेश्चन है, मतलब आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, उनके सामने लिस्ट सेकंड दे रखी है, मैच करना है जो सही ऑर्डर वो बताना है। ऑप्शंस हैं स्ट्रेट और दूसरा है वाटर बॉडी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के सामने है जावा सी, बब अल मंदाब स्ट्रेट के सामने अंडमान सी, और स्ट्रेट ऑफ मलक्का के सामने है रेड सी, और स्ट्रेट ऑफ सुंडा के सामने है गल्फ ऑफ पर्शिया। इसका मतलब ये है कि कौन सा स्ट्रेट किस वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है। जैसा कि हम जान रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो क्या कर रहा है, वो गल्फ ऑफ पर्शिया से और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो यानी ए का तो 4 हो जाएगा। फिर स्ट्रेट ऑफ बल एल मंदेब ये क्या करता है, रेड सी और गल्फ ऑफ आदेन या फिर अरेबियन सी को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है अपने पास, रेड सी है, रेड सी हो गया। दूसरे का बी का 3 हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट है स्टेट ऑफ मलक्का। स्टेट ऑफ मलक्का दोस्तों तुमको पता है ये क्या कर रहा है, इट इज कनेक्टिंग टू वाटर बॉडीज बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी। तो यहाँ पे ऑप्शन में अंडमान सी है, तो हम सेकंड के साथ जाएंगे, तो सी का हो गया सेकंड। नाउ लास्ट इज स्ट्रेट ऑफ सुंडा। स्ट्रेट ऑफ सुंडा दोस्तों क्या है, दो इंडोनेशियन आइलैंड जो कि जावा और सुमात्रा है उनको जो कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, जावा सी है, तो हम जावा सी के साथ जाएंगे। देन डी का ऑप्शन 1 हो गया। तो करेक्ट ऑर्डर क्या हो गया, 4-3-2-1। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SSC CGL 2016 में पूछा जा चुका है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किन दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है? दोस्तों बताया था ये पेपर में आ रखे क्वेश्चन से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस हैं रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी, रेड सी एंड अरेबियन सी, अटलांटिक ओशन एंड मेडिटेरेनियन सी, और मेडिटेरेनियन सी एंड ब्लैक सी। दोस्तों आपका गेस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं दिस इज आपका अटलांटिक ओशियन और ये आपका मेडिटेरेनियन सी है, और ये आपको पता है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है। तो ये जिन दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है, दैट इज अटलांटिक ओशियन एंड मेडिटेरेनियन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन SSC CGL 2017 का है। क्वेश्चन है स्ट्रेट ऑफ मलक्का सेपरेट्स विच टू लैंड मासेस। स्ट्रेट ऑफ मलक्का किन दो लैंड मासेस को सेपरेट करता है? तो दोस्तों हमको पता है कि स्टेट ऑफ मलक्का यहाँ पे है, तो अगर आपको याद होगा तो आप फटाफट गेस कर लीजिए। मैं ऑप्शन देता हूँ, आप इतने आंसर बताइए क्या है। ऑप्शंस हैं मलेशिया, मले पेनिनसुला एंड इंडोनेशियन आइलैंड सुमात्रा, दूसरा है अफ्रीका एंड यूरोप, तीसरा है इंडिया एंड श्रीलंका, चौथा है नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। दोस्तों आपका उत्तर बिल्कुल सही है, दैट इज मले पेनिनसुला और इंडोनेशियन
आइलैंड, ये क्योंकि ये आपको पता है कि दिस इज मलेशिया और ये आपका सुमात्रा है, दैट इज इंडोनेशियन आइलैंड, और ये आपका सही आंसर कौन सा है, ए वाला ऑप्शन था। तो दोस्तों आई होप आपको ये अच्छा लगा और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको बिल्कुल वीडियो सब समझ में आ जाए और आप पूरा इसको याद कर लो अच्छे से। एक बार फिर से देखना चाहो तो देख लेते हैं फटाफट, देखिए इंडिया के साथ में रिवीजन हो जाएगा। देखिए इंडिया के साथ में यहाँ पे है हमारा पाक स्ट्रेट, ठीक है, थोड़ा मैं इसको मोटा कर लेता हूँ इसके थिकनेस को ताकि आपको और समझ में आए। देखिए ये हो गया आपका पाक स्ट्रेट, फिर आपका यहाँ पे हो गया डंकन पासेज, दिस इज आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का, और ये आपका हो गया सुंडा स्ट्रेट, ये हो गया टोरस स्ट्रेट, दिस इज बास स्ट्रेट, और दिस इज कुक स्ट्रेट, फिर इधर पे आ गया स्ट्रेट ऑफ ओर्मुज या ओर्मुज, उसके बाद में यहाँ पे आप गल बदल मंदाब, और फिर यहाँ पर आपका बॉस्फोरस, फिर आपका दिस इज आपका डोवर स्ट्रेट, और ये जिब्राल्टर हो गया, ये आपका डेनमार्क हो गया, और दिस इज डेविस, दिस इज हडसन, और ये आपका फ्लोरिडा, दिस इज बेरिंग, और जो नीचे हमने किया था दैट वॉज मैगेलन स्ट्रेट। दोस्तों ये सारे हमारे मेन मेन स्ट्रेट हो गए, आई एम श्योर आपको अब तक याद हो चुका है। तो दोस्तों आज के भाग में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन अवश्य दबाएं। दोस्तों अपकमिंग वीडियोस और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इंस्टेंट अपडेट्स मिल सकें। आप मेरे फेसबुक पेज व टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जहां पर आपको PDF वीडियोस और अपडेट्स इंस्टेंटली मिल जाएंगी, इनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखें, ऑल द बेस्ट।